स्वागत है दोस्तों एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनली मूवी हमारे सामने आज रिलीज हुई है। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा कि क्यों आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए, कैसी ये फिल्म है, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हाउसफुल 4 का रिव्यू। सबसे पहले इसमें हमें दिखते हैं अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कीर्ति सनन, कीर्ति खारबंदा और पूजा हेगड़े जैसे किरदार। बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें पाए गए हैं, जैसे हमारे राणा दगुमती भी इसमें दिखाई देते हैं एज अ विलन के किरदार में। और ये है 600 साल पुरानी कहानी। जैसे ट्रेलर में सारी चीज़ें हमें पता ही चल गई थी कि भाई 1614 में ये कहानी हुई थी, जो कि चलते रहती है यार। एक राजा है, एक रानी है और उन वो तीनों रानियां हैं। और ये हमारा जो बाला का कैरेक्टर किरदार है, ये भी प्रिंस है, एक तरह से राजकुमार है। तो ऐसे ही ये स्टोरी चालू होती है और सारी चीज़ें इस ज़माने में 2019 में अक्षय कुमार को याद आने लगती है। और कैसे ये सारे मिला जुला के वो सितमगढ़ में जा पहुंचते हैं और वहाँ पे कैसे ट्रेजेडी के साथ एक एक चीज़ सब लोगों को याद आने लगती है। और कैसे क्या इस फिल्म में सारी चीज़ें मिला जुला के सिंपल सी लव स्टोरी बताई गई है कि भाई आखिर में उस ज़माने में वो तीनों लोग मिल नहीं पाए थे, तो इस ज़माने में वो तीनों लोग कैसे मिलते हैं। यही है पूरी इस मूवी की कहानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हंसाती है हमें। कॉमेडी है, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग पैकेज है। ओवरऑल आप अगर दिमाग घर पे रख के जाओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। स्टोरी से ज़्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा यार क्या चल रहा है फिल्म में। इस वजह से ये फुल ऑन एंटरटेनिंग का पैकेज है, जो कि दिवाली के दिन हमारे सामने रिलीज़ हुआ है। तो ये ऐसी फिल्म है जो कि मासेस ऑडियंस के लिए बनी हुई है, जिनको कुछ नहीं देखना है, बस एंटरटेन करना है, थोड़ा बहुत हंसना है। और बहुत सारे सीरियस जोक्स भी है नहीं इसमें, बहुत ही ज़्यादा जितने भी बॉलीवुड के डायलॉग्स है वो भी हमें इसमें सुनने को मिलते हैं। और जो एक गाने में ही दिखाए गए हैं हमारे नवाजुद्दीन, उतने ही गाने में वो दिखते हैं पूरे फिल्म में, बाकी तो दिखाई नहीं देते, बाकी तो गायब ही रहते हैं। उनका सिर्फ अपीरियंस बोल सकते हैं हम, एक तरह से उतना ही दिखाया गया है। और बाकी सारी जो स्टारकास्ट है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तो बस उनको सपोर्टिंग कास्ट ही बोला गया है। ज़्यादातर फोकस तो इन्हीं तीनों लोगों पे किया गया है, जैसे हमारे रितेश देशमुख है, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, इन तीनों लोगों पे ही पूरा का पूरा फोकस रहा है। और कैसे पुराने ज़माने में यानी 600 साल पहले बाला और ये तीनों लोग कैसे रहते थे और अब ये तीनों लोग कौन है, ये सारी चीज़ें हमें इस फिल्म में डिटेल पता चलती है। तो ओवरऑल ये है कॉमेडी और एंटरटेनिंग का पैकेज। तो इस फिल्म को मैं दूंगा आउट ऑफ 5 4 स्टार। 4 स्टार इसलिए कि कहीं पे हमारे हमें हंसाने में कसर नहीं छोड़ती है, पूरा एंटरटेन कर देती है। दूसरी बात, अक्षय कुमार ऐसी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी ये बेस्ट फिल्म है ऐसे ही में। और तीसरी बात, जो सिनेमाटोग्राफी है वो बेहतरीन लगी मुझे, ओवरऑल अच्छी सिनेमाटोग्राफी थी। चौथी चीज़, वो VFX हमें थोड़ा वियर्ड सा लग रहा था ट्रेलर में और वो उतना वियर्ड लग नहीं रहा था स्क्रीन पे, मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा बहुत फिनिश करके हमें दिखाया है। और ज़्यादातर हमें बाहुबली की याद दिलाता है, जो बड़े बड़े सेट्स है, बड़े बड़े इमारत है, जो राजा और रजवाड़े दिखाए गए हैं, जो किले दिखाए गए हैं, वो हमें थोड़े बहुत बाहुबली की याद दिलाते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा VFX तो नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक ठाक है। नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई ये इस तरह से है या फिर ये यहाँ पे कुछ कमजोरी रह चुकी है। ओवरऑल अभी भी बॉलीवुड VFX में थोड़ा बहुत पीछे ही है, तो भी ठीक है यार, इट्स ओके। इस फिल्म में तो इतना कुछ VFX के लिए दिखाया नहीं था, बट जितना भी है, जितने भी राजवाड़े, किले वगैरह सारी चीज़ें दिखाई है, वो बहुत बेहतरीन है। और स्पेशली लाइटिंग्स भी बहुत अच्छी है, जितनी वो लाइट की और वगैरह सॉरी बहुत चीज़ें हैं वो भी बेहतरीन दिखाई गई है। ओवरऑल एंटरटेनिंग पैकेज है और आपको अगर देखना है, कॉमेडी है, हंसना है और बहुत दिन हो गए घर पे बैठे बोर हो रहे हो, तो चलिए देख लो ये फिल्म, ऐसे भी हो सकता है। इस फिल्म में कहानी आप ढूंढो मत, कहानी तो ठीक है, ओवरऑल पूरा का पूरा कॉमेडी का तड़का रखाया गया है। जैसे हाउसफुल की पूरी सीरीज चलते आ रही है उसी तरह से ये फिल्म है। तो ओवरऑल ये तो बहुत अच्छी फिल्म बन के आई है, जिस तरह से हाउसफुल की सीरीज है। हाउसफुल की सीरीज आपको पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। हॉरर नहीं है ये फिल्म, थोड़ा बहुत पुनर्जन्म की कहानी पे बेस्ड है पूरा का पूरा। तो यही है ओवरऑल हाउसफुल 4 का मेरा रिव्यू। आपने अभी तक अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो जाके देख लो, अगर देखना चाहते हो, प्लान किया है तो। और आपको कुछ तड़के भरी फिल्म देखनी है तो आप सांड की आग देख सकते हो, वो काफ़ी बेहतरीन रियलिज्म रियलिस्टिक मूवी है और उसमें भी थोड़े बहुत ग्लिचेस है, बट ओवरऑल फिल्म वो भी अच्छी है, तो वो भी देख सकते हो। और मेड इन चाइना का रिव्यू भी शायद से शाम तक मैं डाल दूँ चैनल पे। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।